गुड मॉर्निंग। हाय यार, इतनी तेज़ धूप है और मुझे सिर्फ एक मात्र ब्रेड के लिए यहाँ से भेजा जा रहा है। एक मात्र ब्रेड, तेज़ धूप, ऊपर से ब्रेड ना मिलना, जहाँ पे हर बार शॉप में मिल जाती है वहाँ के उनके पास थी नहीं आज ब्राउन ब्रेड, तो देखते हैं नेक्स्ट शॉप में मिलती है या नहीं। और चल तो रहे ही हम लोग। भैया ब्राउन ब्रेड है? अरे यार, में तो नहीं मिली है। अब लग रहा मुझे घर से पैसे ही लेने पड़े। ये 30 की है ना भैया? के बाद मिली और ये कूलर में पानी लगा रहा है, तो बहुत ज़्यादा शौक है कूलर में पानी लगाने का। क्या बेड पूरा ऐसे ही, अब इसी के ऊपर ऐसे गद्दा बिछा लेंगे फिर सोएंगे। ये तुमने तोड़ा कैसे? लेकिन उछल उछल के क्रिकेट खेल ले भैया, बहुत परेशान है। अरे कहाँ आ गया ये? देखो इंडे कैसे देख पड़े हुए ये है ना, कोई काम नहीं इस चीज़ का जो ये पकड़े हुए नहीं हूँ, लेकिन एक कड़े हैं इसको पकड़ने हैं। तो बहुत दिनों बाद स्टेशन जा रहे हैं, चाचा आ रहे हैं मुंबई से तुमको लेने जा रहे हैं। और कट भी बताना है तुम्हें तो उसकी तरफ भी देखते रहो। हाँ तुम कट छुड़वा दो। नहीं 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 छुड़वाएंगे, ऐसा कोई कट दिख तो नहीं रहा वैसे मैप में। राइट टर्न तो होगा? नहीं। तो कौन सा स्टेशन डाले बेटा? अनवरगंज। एक बार फिर से सर्च करते रहे, डाले तो नहीं। क्या दिखाओगे वहाँ पे? ट्रेन आती हुई किसी ने कभी देखी नहीं पता? कभी नहीं, तभी तो दिखा रहे हैं। तो पहुँच गए हम लोग। अब गाड़ी कहाँ खड़ी करनी है भाई, ये भी तो बताओ। गाड़ी उधर राइट में खड़ी हुई है जहाँ तक। हाँ काफी इंटेलिजेंट है। ट्रेन चाचा लोग की ट्रेन की टाइमिंग देखो। देख रहे देख। लेकिन तुम कैसे देखोगे, तुम तो गरीब हो। हाँ मैं तो गरीब हूँ। ये भी ठीक है, गाड़ी लगाने की जगह मिल। नहीं नहीं वो नहीं, वो मेरी जगह। अरे इधर राइट में तो पीछे एक बार उतरो। पहुँच गए हम, पहली बार यहाँ आ रहे हैं अनवरगंज। मतलब कानपुर सेंट्रल तो आ चुके हैं काफ़ी बार, पर यहाँ तो पहली बार आ रहे हैं। ये आ चुका है पहले। वो उनकी टाइमिंग लाओ देखें। फोन कपड़ा नहीं पहन लिया पहले हमने टी शर्ट डाल ली थी। तो रोज़ यही पहने तुम पहने हो? पागल हो तुम जो रोज़ पहनते हो यही शेर वाला? पहली बार लोगों ने दोपहर में देखा है इस शेर को। नहीं नहीं देख चुके अभी, आए कहाँ? सब बता चुके हो ना तुम लोगों को। पहली बार चल रही है ट्रेन आज, इधर ही आएंगे लग गए। चलिए देखते हैं। बैठिया ना। मार्केट में आए हैं फ़ोन लेने के लिए, एक मम्मी के लिए। तो एक फ़ोन लेने आया, आज मदर्स डे भी है तो उनके लिए गिफ्ट टाइप भी हो जाएगा। उनका वाला काफ़ी ख़राब हो गया है, तो देखते हैं कौन सा फ़ोन लेते हैं, ज़्यादा रिक्वायरमेंट तो नहीं है। तो फाइनली हम लोग ने रेडमी 9i लिया है। ये कलर इसका देख के नहीं पहचान पा रहा ना कलर, मतलब वैसे कोरल ग्रीन है। कोरल ग्रीन है और ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, 13MP AI रेयर कैमरा है, 5MP सेल्फी कैमरा है। आदमी खुद ही पढ़ लेगा। 4GB रैम है, 64GB स्टोरेज है और 5000mAh बैटरी है। और सो मोबाइल कैसा लग रहा बताइएगा कमेंट बॉक्स पे। बहुत बढ़िया रिव्यू दिया है, गजब का रिव्यू दिया है इसने। मतलब मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था इससे कि इस टाइप का ये रिव्यू देने वाला है। और क्या क्या सब कुछ तो बता दिया ना तुमने, बहुत अच्छे से सब कुछ डिक्लेयर कर दिया। बहुत अच्छी लग ही रहा था इसका। वो दिखाओ तो। एनी हाउ इसने तो सारी डिटेलिंग आप लोगों को बेसिक बता ही दी है। बाकी ये मैंने ऑफलाइन शॉप से लिया था, तो इसमें जो प्राइस 10,000 दिया हुआ है, 9,999, लेकिन उसने मुझको अप्रॉक्सली 8,500 का दिया।
तो ये मम्मी के लिए लिया है, इट्स अ गुड सेट और होपफुली उनको पसंद भी आया है। और विभू तो अब गेमिंग के लिए यूज़ नहीं करेगा इसको, विभू कुछ नहीं यूज़ करने वाला है, तो गेम डाल लेंगे बस। बाकी लेट्स सी, इसकी वर्किंग वगैरह स्पेसिफिकेशन सारे बहुत अच्छे हैं, तो अगर आप लोग उस रेंज तक में देख रहे हो तो अच्छा फ़ोन है। बस इसका एक ड्रॉबैक है कि आप लोगों को फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलेगा, जो कि मैंने सर्च किया तो पता चला कि MI के जितने भी ब्रांड्स हैं वो अप्रॉक्सली 9.5 अबव जाओ तो आपको मिल जाता है फिंगरप्रिंट सेंसर। तो उस रेंज में काफ़ी अच्छा फ़ोन है, आप लोग जा सकते हो। उसके शायद दो कलर है, एक कोरल ग्रीन और एक ब्लैक, तो हम लोग ने तो कोरल ग्रीन लिया हुआ है क्योंकि ब्लैक अवेलेबल भी नहीं था और थोड़ा लेना भी कम चाह रहे थे। तो ये व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, कल रात में इसको एंड नहीं कर पाए थे तो इसको आज सुबह एंड करते हैं। सो गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, जो आप लोगों को रखना हो अपने साथ रख लीजिए, जब भी देख रहे हैं, जब भी नहीं अभी देखेंगे सब लोग। हाँ मतलब तुरंत ही देखें, सब्सक्राइब कर दें इस बेल आइकन पे। ओके बाय, गुड नाइट।